अरमान हमारे साथ हैं, कैलकुलेशन लेकर आपके सामने की इन्फोसिस कितना बायबैक कर सकता है, किस प्राइस पर कर सकता है, अमाउंट कितना होगा। अरमान, पुराने डेटा के बेसिस पर क्या अनुमान लगाया जाए? सर, ये पुराने डेटा जिसे उन्होंने पिछली बार अगर आप देखेंगे तो तीन बार इन्होंने बायबैक कर रखे हैं, 2017 में, 2019 में, 2021 में। उन सब में एक चीज जो सेम निकल के आ रही है कि जो भी मौजूदा भाव है जब ऐलान का दिन होता है वहां से 18% से 21% प्रीमियम पर आता है बायबैक। मतलब अगर अभी का जो भाव देखेंगे कि बायबैक किस भाव पर आ सकता है तो वो है 1740 से लेकर 1800 के आसपास का जो भाव हो सकता है वहां पर आ सकता है बायबैक। उसी के साथ साथ अगर आप इन तीनों का अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग कैश इक्विवेलेंट और जो इन्वेस्टमेंट्स है, करंट इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड्स में, उसका लगभग 36 से 40% कंपनी अपने बायबैक के लिए उपयोग करती है। और अभी जो 30 जून को जो इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है उसमें इनका टोटल जो कैश इक्विवेलेंट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो इनका करंट इन्वेस्टमेंट है उसका लगभग 22,000 करोड़ इनके पास है। मतलब जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ के आसपास का टोटल जो कंपनी है वो बायबैक कर सकती है। एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग सर, इसमें ये चीज है कि इन्होंने जो पिछले तीन बायबैक है वो 2017 का बायबैक था वो टेंडर ऑफर के जरिए था, पर लास्ट के जो दो बायबैक आए हैं वो बायबैक आए हैं ओपन मार्केट के जरिए। उसी के साथ साथ एक और चीज ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो भी नया बायबैक आता है वो पुराने बायबैक के भाव से बढ़कर आता है। जैसे 2017 में 1150 के पे आया था, 2019 पर 1600 पे क्योंकि वो बोनस इशू था तो एडजस्टेड करके 1600 पर, फिर 2021 में 1750 पर। तो जो हमारा अनुमान है एक तो कि 1740 से लेकर 1800 और हो सकता है कि शायद 1800 से भी शायद थोड़ा ऊपर का हो सकता है बायबैक का भाव। 1740 से 1800 अच्छे प्रीमियम पर हो सकता है बायबैक का भाव इंफोसिस का, ये लेवल आप लिए निकल कर आ रहे हैं। और जो पिछली बार से भी हमने देखा तो वही एक्सपीरियंस है कि हमेशा लगातार 18 से 21% प्रीमियम पर होता है और लगभग जो कैश इतना उपयोग करते हैं वो अभी जो कैलकुलेशन आ रही है वो 8,000 से 9,000 करोड़ का हो सकता है जो इसका कैश का उपयोग करेंगे ये बायबैक के लिए। ठीक है, तो चलिए रखते हैं नजर। थोड़ा ऑफकोर्स स्टॉक में वैसे प्रेशर दिखा है, ज्यादा एक्साइट हुआ नहीं बाजार इस खबर के आते हुए। हिमांग सर, कोई व्यू है सर इन्फोसिस के बायबैक पर? इन्फोसिस में देखिए बायबैक का जो क्वांटम है वो लगभग 9,000-9,500 करोड़ का, जैसे आपके एनालिस्ट ने बताया वो मुझे भी लग रहा है कि लगभग वही होगा। दूसरा, जो ओवरऑल जो इक्विटी का जो साइज है वो मुझे लगता है कि 1% के आसपास ही होगा। तो ओपन ऑफर के थ्रू अगर मतलब मार्केट के अंदर वो लोग अगर बाय करते और 1% के आसपास होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस पर नहीं आ सकती। अभी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आईटी कंपनीज के लिए वो ये है कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मार्केट लेके चल रही है वो काफी ज्यादा है। जैसे टीसीएस में हम लोग 16% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्फोसिस में भी लगभग 14-15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो रिस्क है ये जो करंट डेवलपमेंट है उसमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा डाउनग्रेड हो सकता है अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस। तो नंबर्स या जो बायबैक है वो शायद उतना एक्साइट नहीं करेंगे। अभी स्टॉक मेरे हिसाब से थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। तो ये है आपके लिए इन्फोसिस पर राय हिमांग सर की तरफ से आती हुई। बस बात वही है कि टेंडर रूट नहीं होकर ओपन मार्केट परचेज होता है तो फिर ये दिक्कत होती है। करेक्ट सर, वो हर बार वही प्रॉब्लम आती है। और टीसीएस का जो था वो टेंडर ऑफर था, तो उसमें क्या है कि जितने भी शेयर गए कम से कम आपके 4,500 में कुछ तो चला गया। Exactly. तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो यहाँ पर यह है कि टेंडर ऑफर नहीं है, कंपनी की जब मर्जी होगी। लास्ट टाइम यही आया था तो शायद उम्मीद करेंगे इस बार भी ऐसा ही होगा। दोनों में फर्क क्या है एक बार समझिए। जो भी कंपनी बायबैक लेकर आती है, बायबैक दो तरीके से किया जाता है। एक तो ये कंपनी कहती है भाई इस भाव पर बायबैक करेंगे, जैसे कि टीसीएस ने कहा 4,500 रुपए में बायबैक करेंगे। ठीक है, 4,500 रुपए में उनका बायबैक है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट है, फिर एक्स डेट है आप उस, और जो टेंडर करने की लास्ट डेट है तो रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर आपके खाते में होने चाहिए। एक्स डेट के पहले पहले आपको खरीदना है और जो टेंडर करने की लास्ट डेट है उसके पहले आपको वो शेयर टीसीएस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। बिल्कुल, ठीक है। अब उसमें से जितने एक्सेप्ट होंगे हो जाएंगे और एक्सेप्ट होकर वापस आएंगे वो आपके पास हो जाएंगे। और आपको याद होगा पिछली बार मैंने टीसीएस के मैनेजमेंट की जमकर तारीफ की थी इस बात को लेकर कि उन्होंने दो ही दिनों में सारे के सारे शेयर और पैसे तुरंत वापस कर दिए। बिल्कुल, बहुत तेजी से काम किया। तो ऐसा नहीं कि हम किसी चीज के लिए आलोचना करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो तारीफ भी करते हैं, तब भी कितने आज याद भी है कि अच्छा काम इन्होंने किया था उसकी तारीफ की थी। तो जो काम जो बात कहते हैं निष्पक्ष भाव से कहते हैं। अब देखिए
बायबैक जो टेंडर ऑफर के जरिए होता है उसमें सबका पार्टिसिपेशन बराबर हो जाता है, आपने दिए शेयर आपके जितने एक्सेप्ट हुए वो रेशियो सबके लिए सेम रहेगा। अब आइए दूसरा तरीका, उसमें क्या होता है कंपनी कहती है कि जैसे हम इस पर्टिकुलर प्राइस तक शेयर खरीदेंगे, जैसे टीसीएस का ये टेंडर ऑफर नहीं होकर ओपन मार्केट परचेज होता है, उसको ओपन मार्केट परचेज कहते हैं। ओपन मार्केट परचेज में क्या होता है, कंपनी कह देगी भाई हम 4,500 रुपए तक शेयर खरीदेंगे, इतने शेयर खरीदेंगे जी। अब वो कंपनी किस दिन किस प्राइस पर मार्केट से खरीदेगी ये कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो आप ये बोलोगे आपने तो बोला था 4,500 में मुझसे ले लो, ये सुविधा नहीं है आपके पास। आपको जो भी भाव मार्केट में जब आपको बेचना बेचे तो क्या करेगी, 6 महीने का जनरली समय होता है जी। तो 6 महीने में कंपनी धीरे धीरे अपने हिसाब से उतने शेयर खरीदेगी, राइट, ये जब नियम उनका है। तो इसलिए ओपन मार्केट परचेज में कंपनी को प्राइस ज्यादा बेहतर मिलती है, टेंडर ऑफर वाले बायबैक में शेयर होल्डर्स को फायदा थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन दोनों ही तरीके लीगल है, वैलिड है, अलाउड है सेबी की तरफ से, और दोनों के अपने फायदे नुकसान दोनों तरफ, एक तरफ कंपनी का फायदा ज्यादा है दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स का फायदा ज्यादा है। कंपनी का जो फायदा है ऐसा मत सोचिए कंपनी का फायदा मतलब आपका नुकसान है, वो भी इनडायरेक्टली तो शेयर होल्डर्स को ही फायदा होना है, तो वो भी तरीका ठीक है। उसमें जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म सोचते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, टेंडर ऑफर में जो है ना बीच बीच में ना छोटा मोटा वो तुरंत तुरंत वाले वो भी बेनिफिट ले जा पाते हैं। तो अपने अपने फायदे नुकसान है, दोनों में कोई गलत या सही नहीं, दोनों सही तरीके हैं और दोनों के अपने फायदे नुकसान है। ये आपके लिए टीसीएस पर आइए।